हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये वर्कशीट है क्लास केजी से दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए, और इस वर्कशीट में हम लोग खेल खेल में सीखेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट है 10 सितंबर 2020 के लिए। तो इसमें हमें क्या सीखना है, कर है खेल का सामान बेचने वाले एक दुकानदार को, जो दुकानदार खेल का सामान बेचता है तो उसको सामान खरीदने जाना है। उसके पास हर खेल का सिर्फ एक ही सामान बचा है। खेल पहचान कर दूसरे सामान का चित्र बनाइए और दुकानदार की मदद कीजिए, ठीक ना। साथ ही खेल का नाम भी लिखिए। तो इसमें खेल पहचानना है और इस सामान का दूसरा चित्र बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बैडमिंटन है, आप देख रहे हैं इससे क्या खेला जाता है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए हम चित्र बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम ब्लैक कलर लेंगे, ठीक ना। तो ब्लैक कलर, और थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं और एक राउंड शेप लेंगे। तो आप ब्लैक कलर ले लिए, ये हो गया। अब इसमें हम एक डंटी लगाएंगे, तो उसको भी आप यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर मोटा कर दीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से आपका जो है ये बैडमिंटन तैयार हो जाएगा। और इसको जो ये पार्ट निकला है इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। ठीक ना, तो आपका बैडमिंटन तैयार हो गया। अब हम बैडमिंटन लिख भी देते हैं, इसका नाम लिखना है तो इसका नाम लिखते हैं हम इसका नाम है बैडमिंटन। बैडमिंटन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा खेल क्या है। चलिए, दूसरा खेल है लूडो। ऐसा कि आप जानते हैं यह खेल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लूडो कहते हैं। तो एक लूडो बनाने का प्रयास करें, कलर को चेंज कर लें। लूडो ब्लैक रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो चलिए लूडो बनाते हैं। लूडो के लिए हम एक ऐसा शेप ले लेंगे, नहीं इसको थोड़ा और ऊपर से लीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको शेप के अंदर शेप बनाना होगा 4 कलर का। तो आप वो बना लेंगे, इसमें कलर चेंज कीजिए, एक ग्रीन ले लीजिए और यहाँ मारिए ग्रीन, ठीक। एक और रेड लीजिए और इसके बगल में लीजिए रेड, ठीक। एंड नेक्स्ट आपकी बार क्या लेना है, तो येलो, येलो ले लीजिए और येलो को आप यहाँ बनाइए और तब लीजिए ब्लू, ब्लू भी ले लेते हैं और ब्लू को यहाँ ऐसे बनाते हैं, ठीक। आपके लूडो का कुछ शेप बन गया। और बीच में आपको एक और बनाना है, तो बीच में हम ऐसे इसको बना लेते हैं छोटा सा। अब उसके बाद इसमें लाइनिंग लगानी है, तो लाइनिंग के लिए भी थोड़ा इसको मोटा लेना पड़ेगा, ठीक ना। अब पहले लेते हैं रेड, ये रेड हो गया। अब लेंगे ब्लू और ब्लू को मिलाएंगे इससे लेकर इसमें। अब लेंगे येलो और येलो को मिलाएंगे यहाँ से ऐसे, और तब लेंगे ग्रीन और ग्रीन को मिलाएंगे यहाँ से ऐसे, ठीक। तो आपका लूडो बनके तैयार हो गया। आप इस तरह का लूडो खेल सकते हो, ठीक ना। इसका नाम लिखना है तो आप इसका
नाम लिख लो। ये हुआ आपका लूडो, ठीक। अब आपको नेक्स्ट कैरम बनाना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कैरम बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं उसी के जैसा। ये देखिए, इसमें पहले हम ब्लैक ले लेते हैं क्योंकि कैरम ब्लैक होगा। हाँ, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा गोला बनाएंगे, ठीक। तो एक गोला यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक। ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें आपको लाइनें बनानी है, तो वो होगा ऐसा। लाइन बनाने के लिए आप अपने पेंसिल को थोड़ा पतला करेंगे, जितना पतला रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक। अब इसके अंदर एक एरो लगाएंगे, एक और लाइन बनाएंगे, ठीक। बीच में राउंड लगाएंगे, तो राउंड के लिए पेंसिल को आप मोटा कर लेंगे, ठीक ना। और कलर चेंज कर लेंगे, कलर रेड ले लीजिए। आपका राउंड हो गया। अब आपको एरो बनाना है, तो एरो कैसे बनेगा, ये गलत हो जाएगा। एरो को पहले आप इरेज करते हैं, पेंसिल पतला करेंगे तो एरो आ जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल पतला कीजिए और तब आप एक एरो बना सकते हैं, और वो एरो ऐसा होगा, एक यहाँ से ऐसा होगा, एक यहाँ से ऐसा होगा और फिर एक यहाँ से ऐसा होगा, ठीक। तो इस तरह से आपका कैरम बन के तैयार हो गया। और आप कैरम लिख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे कैरम, कैरम ये हो गया। अब नीचे है बैट, बल्ला, तो ये भी आसान है, इसको भी बना सकते हैं। अब देखिए बैट है, तो चलिए बैट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं और इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, कलर भी ये चेंज कर लेते हैं और चलिए बैट बनाते हैं, ठीक। और इसको कलर कर ही देते हैं, और बैट की अब हैंडल बनानी है। तो हैंडल के लिए हम क्या करेंगे कि रेड कलर लेंगे, और रेड कलर मोटा ले लेंगे, और उसके बाद इसका हम हैंडल बनाएंगे। आपकी हैंडल लग गई बैट में। अब इसमें थोड़ा सा डिजाइन देना है, तो उसके लिए ब्लैक कलर ले लेंगे और पेंसिल को पतला करेंगे, ठीक ना, और तब इस पर एक डिजाइन लगा देंगे। हो गया आपका बैट बन के तैयार। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अब ये क्या है, तो बैट है, आप लिखेंगे बैट, या फिर आप बल्ला भी लिख सकते हैं। अब बचा नेक्स्ट लट्टू।
चलो अब हम लट्टू नचाते हैं, ठीक ना। लट्टू, तो लट्टू के लिए क्या करेंगे, लट्टू के लिए सबसे पहले घड़े जैसी आकृति बनानी होगी। ऐसी भी हो सकती है, और फिर ये तो नहीं बना, इसको बनाने का तरीका ये होगा, ये ऐसे कर लो, ये बिल्कुल आपको भी परेशान कर सकता है, इसलिए हम लोग सीधे गोला लेंगे रेड कलर का। और देखिए अब कैसे बनता है। अब बन सकता है, और इसको हम पूरा रेड करेंगे। ठीक, अब इसमें लगाएंगे एक कील, वो कील होगी ब्लैक कलर की। ठीक, हाँ अब ये लट्टू जैसा दिखने लगा। ठीक, तो ये बन गया हमारा लट्टू। अब यहाँ लिखेंगे इसका नाम है लट्टू। हो गया लट्टू। अब नेक्स्ट है हॉकी स्टिक, तो चलिए हम लोग हॉकी स्टिक बनाते हैं। हॉकी स्टिक के लिए भी पेंसिल लेंगे थोड़ी मोटी वाली, और ये काले रंग की लेंगे, ब्लैक कलर की। देखिए आपकी हॉकी स्टिक बहुत सिंपल है, बनके तैयार हो गई। और इसमें लिखेंगे इसका नेम, तो इसको हम थोड़ा पतला कर देते हैं, और यहाँ लिखेंगे हॉकी, हा की। ठीक, चलिए अब इसके प्रश्नों का जवाब देते हैं। कह रहा है आपका मनपसंद खेल कौन सा है, तो आपका जो भी मनपसंद खेल होगा, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बैट बॉल, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। आपका मनपसंद खेल कौन सा है, और क्या आप इस खेल को खेलने का तरीका बता सकते हैं, तो आप जो भी खेल चूज करेंगे आप उसको खेलने का तरीका बता देंगे, सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आजकल आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो घर में हम लोग लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, और अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं। चूँकि लॉकडाउन में तो दूसरे के घर जाना मना है, इसलिए हम अपने घर में ही खेलते हैं। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न हो गए, और इन प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख लेंगे, और जो भी होगा इस उत्तर को समझ करके आप उसको लिख लेंगे। और आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 58, ये पूरी हुई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।